चलिए दोस्तों, आज आप सभी के साथ शेयर करते हैं यूपी की एक बहुत ही फेमस डिश जिसका नेम है फरे। तो आज मैंने बनाए थे घर पे फर्स्ट टाइम चने की दाल के फरे जो कि थे आटे के। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका एक पूरी स्टफिंग रेडी कर ली थी, वो शूट करना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने ली थी चने की दाल, उसमें डाला था हमने धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा और नमक। इन सबको डाल के अच्छे से मैंने इसको पीस लिया था। चने की दाल को हमने भिगो दिया था रात भर। फरे की स्टफिंग रेडी होने के बाद हमने जो है आटे की इस तरीके की छोटी छोटी पूरियां बना लेते। स्टफिंग भरने के बाद इस तरीके से हमने बंद कर दिया था और चम्मच से इस तरीके का डिज़ाइन हमने दे दिया था सभी पर। तो आप देख सकते हैं सभी जो है हमारे बनके फरे जो है बिल्कुल रेडी हो गए। दूसरे मैंने कढ़ाई में डालता थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देता ऑयल। उसके बाद जितने फरे मैंने बनाए थे सारे के सारे हम डाल देंगे कढ़ाई में। इसको हम 10 से 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं सारे बॉईल करके मैंने निकाल लिए हैं, ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से कट करेंगे। तो कट करने के बाद देख सकते हैं किस तरीके सभी में अच्छे से स्टफिंग भरी गई है चने की दाल की। तो फाइनली जो है सारे फरे मैंने अच्छे से काट लिए थे। मैंने लिए कढ़ाई, में डाला है मैंने 2-3 चम्मच सरसों का तेल। उसके बाद हम डालेंगे जीरा, थोड़े से सरसों के दाने। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्च और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम नमक और लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए फरे और ऊपर से धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक इसके अंदर भुना ताकि ऊपर की जो लेयर है हल्की सी वो लाइट ब्राउन हो जाए। तो फाइनली जो हमारे फरे बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको मैंने सर्व किया था टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन की चटनी के साथ जो कि बहुत टेस्टी चटनी बनती है। बिल्कुल मोमोज स्टाइल में मैंने चटनी बनाई थी, घर में बनाई थी। और ये जो फरे है ना मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे, काफ़ी टेस्टी बने थे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।